नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं श्वेता सिंह। मोदी सरकार के एक साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर आए पूरे एक साल हो जाएगा। विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार ने किया क्या है, तो जवाब में मोदी सरकार के तमाम आला मंत्री से लेकर पार्टी के पदाधिकारी तक मैदान में उतर आए हैं। खुद प्रधानमंत्री भी अपनी सरकार की कामयाबियों को एक रैली के जरिए बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर 20 दिन तक प्रचार चलेगा। मोदी के मंत्री अलग अलग शहरों में जाकर रैलियां करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के हाथों में कामयाबी की वो किताब होगी जिसे वो घर घर तक पहुंचाएंगे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। अपनी सरकार की पहली सालगिरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी धरती से दावा किया कि दुख भरे दिन तो बीते दिनों की बात हो गए, लेकिन सरकार के एक साल का हिसाब किताब एक लाइन में पूरा होने वाला नहीं। लिहाजा पूरे 20 दिन तक मोदी सरकार आपको बताएगी कि आपके अच्छे दिन कैसे आ गए। हमारा ग्रोथ रेट 8.4% था जब एनडीए ने छोड़ा था, घटकर के 4.5 आ गया था। एक साल के भीतर 5.67 तक प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के आला मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल थे। इस बैठक के साथ ही ये तय हो गया कि 21 मई से अच्छे दिन का प्रचार शुरू हो जाएगा। गुरुवार को बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का मीडिया वर्कशॉप होगा ताकि सरकार के कामकाज को बहुत चतुराई के साथ वो जनता तक पहुंचा सके। इसके बावजूद सरकार सिर्फ पार्टी प्रवक्ताओं के भरोसे बैठे रहने वाली नहीं, इसीलिए 22 मई को वित्त मंत्री अरुण जेटली, 23 मई को गृह मंत्री राजनाथ सिंह, 27 मई को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, 28 मई को ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, 31 मई को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, 2 जून को कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, 3 मई को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कामकाज की डुगडुगी बजाएंगे। इन मंत्रियों की जिम्मेदारी जनता को ये बताना है कि कैसे मोदी सरकार ने सबके विकास के लिए अपना दिन रात खपाया है। एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? मंत्री सरकार का बखान करेंगे, लेकिन जुबानी तारीफ से आगे की भी तैयारी हो चुकी है। पिछले साल 26 मई को मोदी सरकार ने शपथ ली थी। सरकार के एक साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। ये रिपोर्ट कार्ड संवाद नाम के बुकलेट के रूप में आएगा, जिसमें 11 अहम मंत्रालयों की कामयाबी छपेगी। इसे बीजेपी के 10 करोड़ सदस्यों को बांटा जाएगा। तारीफ की पार्टी तो सोशल मीडिया पर भी बनेगी, जहां टॉक फोन के जरिए 28 मई को कई मंत्री लोगों से जुड़ेंगे। इतने बड़े मैंडेट के साथ पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, सरकार में एक साल पूरा किया, जाहिर है जश्न तो होगा ही। और इसके लिए अगले 20 दिन तक पार्टी के हर छोटे से लेकर बड़े नेता तक सरकार के कामकाज का ना सिर्फ गुणगान करेंगे, बल्कि विरोधियों के तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। सरकार एनडीए की है, लेकिन सिर्फ बीजेपी से जुड़े मंत्री ही मोदी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ेंगे। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। मंत्री सरकार की तारीफ के पहलू निकालेंगे तो खुद प्रधानमंत्री भी देश से रूबरू होंगे। जनसंघ के संस्थापकों में से एक दीनदयाल उपाध्याय के गांव में मोदी 25 मई को एक रैली करेंगे। इसके जरिए देश को बताएंगे कि एक साल में उन्होंने किया क्या। आगे। 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 आगे।
अच्छे दिन आने का ऐलान तो पिछले साल चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था, जब समय अपनी सरकार की पहली सालगिरह पर अच्छे दिन का लेखा जोखा देने का आया तो मोदी ने इसके लिए मथुरा को चुना। वहीं से मोदी ऐलान करेंगे कि कैसे उन्होंने सबका साथ सबका विकास के नारे पर सरकार को चलाया है। जनता जनार्दन को एक तीसरा नेत्र होता है, सामूहिक विलक्षण बुद्धि शक्ति होती है और वो अपने तत्कालीन निजी हितों को छोड़ करके भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प लेकर के कदम उठाता है। हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों ने एक सामूहिक शक्ति का परिचय दिया। दुनिया के लिए वो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, तो मोदी के लिए ये जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि है। ये पूरा साल नरेंद्र मोदी के लिए उस सपने की तरह था जिसे हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। साल भर पहले मोदी ने जनता से कई वादे किए थे, अब वक्त आ गया है जनता को उन वादों की हकीकत बताने का, और इस काम के लिए मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों की फौज को लगा दिया है। लेकिन फिर भी सबकी निगाहें लगी हैं नरेंद्र मोदी की मथुरा में होने वाली रैली पर, जिसमें ना सिर्फ वो अपनी सरकार की पीठ थपथपाएंगे बल्कि विरोधियों के हमलों का जवाब भी देंगे। 25 मई की शाम 3 बजे मोदी की ये रैली मथुरा से सटे दीनदयाल उपाध्याय के गांव नागला चंद्रभान में होगी। इस रैली में करीब 1,00,000 लोगों के बैठने लायक पंडाल बनाया जा रहा है। भक्ति भाव वाले प्रधानमंत्री इस बीच किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत संभावना है कि रैली के बाद वो दीनदयाल उपाध्याय के घर जाएं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली पर नगला चंद्रभान दीनदयाल धाम में आने का जो बन रहा है, निश्चित ही एक देश को नया आयाम देगा। अगले साल बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय का शताब्दी वर्ष मना रही है और इस साल मोदी सरकार की पहली सालगिरह को जन कल्याण पर्व के रूप में तैयारियां चल रही हैं और ये इंतजार भी कि सरकार की पहली सालगिरह पर मोदी क्या कहते हैं। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ मदन मोहन शर्मा, मथुरा आज तक। मोदी सरकार के कामकाज को आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसके लिए देश की राजधानी के गली मोहल्ले तक कामयाबियों का प्रचार होगा और बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने एक साल में कितने कमाल किए। एक साल के अपने कामकाज का लेखा जोखा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली से देंगे। सरकार की तारीफ में 21 मई से मोदी के मंत्री भी भिड़ जाएंगे, जो देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करेंगे। बीजेपी के आला नेताओं को भी फरमान चला गया है कि हर दरवाजे तक सरकार की कामयाबियों की दस्तक पहुंचनी चाहिए, इतने पर भी कोई कसर न रह जाए, लिहाजा सांसदों, विधायकों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मेयर से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों तक सबको यह आदेश मिल चुका है कि सरकार के नेक इरादे से वो जनता को रूबरू कराएं। एक साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दुनिया आपको संभार से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? दरअसल मोदी सरकार के पास गिराने के लिए कुछ अहम योजनाएं भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 स्मार्ट सिटी, साफ सुथरे देश के लिए स्वच्छ भारत अभियान, सामाजिक सुरक्षा के लिए जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार के खाते में है। सरकार के इस कदम से कॉरपोरेट जगत भी गदगद है। बदलाव काफी आया है। पहले तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो गया, इंटरेस्ट रेट्स भी 50 बेसिस पॉइंट्स कम किए है RBI ने, क्योंकि सेंटिमेंट अच्छा रहा है और गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए है। सरकार के पास कहने के लिए है कि उसने मजबूत बुनियाद रख दी, अब उस पर विकास की इमारत खड़ी करनी है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।
आपको याद होगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे ने कैसे पिछले लोकसभा चुनावों में मोदी के लिए समा बांधा था। आज जब सरकार एक साल पर अपनी कामयाबियों का पिटारा खोलने जा रही है तो उसे कामयाब बनाने के लिए नए नारे भी सरकार उछाल रही है। हम मोदी जी को लाने वाले हैं। चंद अल्फाज इतने असरदार हुए कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को देश का सरदार बना दिया। इस सरदार की सरकार के एक साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश करने की घड़ी आई तो सरकार नए नारों से लैस हो रही है। लोकसभा चुनाव में मोदी ने कई ऐसे नारे दिए जिन्होंने लोगों तक पार्टी की पहुंच बनाई और पार्टी को शानदार जीत दिलाई। अब ऐसे ही नारों की जरूरत सरकार को भी है, तभी तो बाकायदा एक पूरी टीम ऐसे नारे तलाश करने में जुटी है जो सरकार की गरीब विरोधी इमेज को सुधार सके। सरकार इस नारे के साथ आने वाली है कि वर्ष एक काम अनेक, मोदी सरकार विकास लगातार। वर्ष एक काम अनेक इसलिए हम कह रहे हैं कि एक वर्ष में जब हमको विरासत मिली है तो बहुत नाकामी की विरासत मिली थी। ऐसी विरासत मिली थी जो उबड़ खाबड़ थी, चौतरफा अविश्वास का माहौल था, पॉलिसी पैरालिसिस थी, करप्शन और कुशासन था। हमें एक साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं जो देखता हूँ कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों का सफाया। अच्छे दिन के नारे की बुनियाद पर एक नया नारा चमकने वाला है। अब अगले 20 दिन तक सरकार अपने प्रचार पर होगी नए नारों के साथ, 100-100 रैलियों के साथ। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के एक साल के कामकाज पर आज तक की भी नजर है, इसीलिए सरकार की पहली सालगिरह पर आज तक के मंच पर सरकार से लेकर विपक्ष तक हाजिर होंगे। इतना ही नहीं, आज तक आपको सरकार के कामकाज का हिसाब किताब भी पेश करेगा। मंच आज तक का होगा और उस मंच से सरकार के नुमाइंदे आपको बताएंगे कि एक साल में मोदी सरकार ने क्या किया और विपक्ष पूछेगा कि कामयाबी की चमक दमक में नाकामी कहां छुपी है। खुद अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितना काम किया। एक साल की सरकार पर बीजेपी के 50 तेज तर्रार सांसदों की महापंचायत आज तक ने लगाई। सवाल आज तक का और जवाब मोदी के सांसदों का। घर घर में जन धन की चर्चा है, बेटी पढ़ाओ कहाँ खर्चा है, स्कैम भूल चुका देश है और नाच रहा भारत बांग्लादेश है। मंत्री और सांसद तो तारीफ करेंगे लेकिन सरकार के एक साल पर लोगों की राय भी आप तक पहुंचाएगा आज तक। ओपिनियन पोल देश का मिजाज बताएगा कि लोगों की नजरों में सरकार का कामकाज कैसा है। इस दुनिया को रंगमंच बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोने कोने में घूमे। साल पूरा होने वाला है सरकार का और इस मौके पर हम श्वेत पत्र में उनके विदेश दौरों की हकीकत को टटोलेंगे। और तो और, श्वेत पत्र के जरिए भी आज तक सरकार का लेखा जोखा ला रहा है। कहते हैं काशी मोक्ष नगरी है और ये भी कहते हैं कि शंकर के त्रिशूल पर ये शहर टिका हुआ है। मोदी राज का एक साल क्या आया है काशी की मुट्ठी में। तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के समर्थन और विरोध के मुद्दों को आवाज दे रहा है कार्यक्रम ये दिल मांगे मोर। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के एक साल का हिसाब किताब भी आज तक आपको दिखाएगा। आज तक ब्यूरो विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।